अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों डी यू के एक और कोर्स के बारे में बात करूंगा आज मैं। दोस्तों कोर्स का नाम है बी ए ऑनर्स इन पर्शियन। इस कोर्स की सारी अहम डिटेल्स आपको बताऊंगा जो आपको एडमिशन से पहले चाहिए होती है। कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी एज चाहिए, सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। तो पहली बार अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचें। डी यू के एक एक कोर्स के बारे में आपको मैं यहाँ बताऊँगा, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके मैं यहाँ बढ़ाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प भी करने वाली है। दोस्तों अगर आपको बी ए ऑनर्स इन पर्शियन जामिया के बारे में, एम यू के बारे में, जे एन यू के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों इसकी आगे जानकारी दूंगा मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की। दोस्तों अब आ चुके हैं अपनी हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब बात करेंगे हम बी ए ऑनर्स इन पर्शियन। दोस्तों पहले आपको दिया हुआ है ये पूरा क्या इसका पर्पज़ है। अगेन ये आपका मेनली ईरान में ये बोली जाती है लैंग्वेज, और इसका जो भी आपका मतलब इसका पर्पज़ है, हर लैंग्वेज का पर्पज़ एक ही होता है कि आपको रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग बढ़िया से आपको आना चाहिए। डी यू से आपने अगर ये किया तो काफ़ी अच्छे से उम्मीद है आप सीख जाएंगे और आप मेहनत करेंगे तो। अब एक आपको यहाँ भी एक ठीक ठाक मतलब फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे आप काम, लेकिन इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री में बोली जाती है, वो है ईरान। दोस्तों अब कुछ देखिए यहाँ पर देखा हुआ, कुछ आपका अफगानिस्तान के अंदर है, कुछ आपका ताजिकिस्तान के अंदर है, लेकिन मेनली आपका ईरान है, तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों इसमें आपको 12th पास चाहिए इसके एडमिशन के लिए, कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है, मिनिमम बस पास चाहिए। एज का फैक्टर कुछ भी नहीं है, कितनी भी आपकी एज हो, 12th के बाद आपका ईयर गैप का कोई इशू नहीं है, कोई आपको डिसएडवांटेज उसका नहीं होने वाला है। जैसे कि जेएनयू में होता है तो कोई सीट किसी के लिए फिक्स नहीं है, हर बंदे के लिए यहाँ पर सेम ही है, चाहे वो उसने इस साल 12th किया हो या पहले 12th कर चुका हो। दोस्तों आपको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी दो कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने, दो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा एडमिशन सीबीटी के थ्रू। पहला दोस्तों कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको लिस्ट ए से चूज़ करनी होगी, यहाँ पर्शियन जो कि आपको लिस्ट ए स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके बाद दो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं B1 से। उसके बाद आपको जो फोर्थ सब्जेक्ट है चौथा वाला, वो आपको B1 या B2 से चूज़ करना है। तो टोटल आपको चार कॉम्बिनेशन या चार पेपर लेने हैं। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन 2 है, उसमें आप लिस्ट 1 से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर कोई भी कोई इशू नहीं, कुछ भी चूज़ कर लें आप। उसके बाद दो सब्जेक्ट B1 से आपको चूज़ करने हैं, और एक सब्जेक्ट जो फोर्थ वाला है वो आपको B1 या B2 से चूज़ करना है। टोटल आपको चार सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर एक बात दोस्तों, एक इशू ये है, मुद्दा ये है कि कॉम्बिनेशन 1 जो है ये मतलब प्रिफर्ड है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जब भी लिया जाएगा जब कॉम्बिनेशन 1 से सीट खाली रह जाएंगी, मतलब पहला कॉम्बिनेशन मेन है उसके लिए आपको वहीं से आपको एडमिशन मिलेगा, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन बाद में आएगा। दोस्तों कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, तो यहां पर दो कॉलेज हैं केवल जो कि इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं डीयू के अंदर। एक आपका जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, यहां पर सीट्स हैं 29 सीट्स हैं जो आपको दिया हुआ है इसका डिवीज़न, माइनॉरिटी के लिए कोई सीट फिक्स नहीं है। उसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज आपका इवनिंग भी कॉलेज है, यहां भी आपको मिलेंगी टोटल नंबर सीट जो है वो 19 सीट्स हैं, और आपको यहाँ पर सारा 8, 3, 11, 12 आपको यहाँ डिवीज़न दिया हुआ। तो ये टोटल आपका मैंने बताया आपको डिटेल इसके बारे में, कितनी सीट्स कहाँ पर हैं, कितने कॉलेज हैं। फीस के बारे में आपको जानना है तो फीस के लिए जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो के लास्ट में, लिंक वहाँ दिया होगा, पूरी सारे कॉलेजों की वहाँ फीस दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके आप सारी फीस देख पाएंगे 2022 के लिए और 2023 के लिए, बहुत कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो सारी आपको फीस वहाँ से मिल जाएगी, फीस का अपडेट होगा तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।